मॉड्यूल 199, हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एनोरेक्सा सो ना वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दोज डायग्नोस्टिक्राइटीरिया विच नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन या ऐसी सिम्टम्स जो कि क्लाइंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं जिनको एनोरेक्जिया नवोसा होता है कि उनको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके आ, जब हमने उनकी सिम्टम्स जो हैं वो एलिस्ट करनी होती हैं सो हेयर वी गो आम तौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चे आपके पास आते हैं दे डोंट एवर कम बाय रादर देयर देस ब्रॉड देम टू यू ठीक है तो उनकी फैमिलीज पहले ये ऑब्जर्व करती हैं कि जो बच्चे का वेट है वो लॉस हो रहा है और चूँकि वो लॉस हो रहा है इस वजह से वो बच्चे को फैमिली जो है वो लेकर आती है और इसमें दूसरा मसला ये हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये पूछते हैं पेरेंट्स से कि क्या आप ये क्या खाता है तो पेरेंट्स अक्सर ये रिपोर्ट करते हैं इसमें कि हम इसको हर तरह का फूड देते हैं मगर ये रिफ्यूज़ कर देता है फ़ूड खाने से ठीक है या खाना खाने से रिफ्यूज़ कर देता है तो इसमें आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं जो पाँच छः साल के होते हैं उनकी पेरेंट्स अक्सर आके कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं है अब वो जो खाता कुछ नहीं है वो डेफिनेशन एनोरेक्सिया नर्वोसा की नहीं है वो क्यों खाता नहीं है क्योंकि माँ को लगता है कि वो नहीं खाता हालांकि वो बच्चा खा रहा होता है वो कैसे खा रहा होता है जब आप उससे पूरी रूटीन पूछते हैं कि बच्चे ने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया तो आपको पता चलता है कि द चाइल्ड इज टेकिंग द पोर्शन ऑफ मील लेकिन जो मदर की परसेप्शन है कि बच्चे को कितना खाना चाहिए उस परसेप्शन से वो कम खा रहा है जबकि उसका जो वेट होता है अपनी बॉडी के हिसाब से वो नॉर्मल होता है और नेचुरल होता है लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि जो बच्चा है वो फूड इनटेक इतना कम ले रहा है कि उसकी वजह से उसके अंदर सिग्निफिकेंट वेट लॉस आ रहा है जो कि उसके डिज़ायर्ड रेंज ऑफ वेट से बिलो है देन जो बच्चा है वो समटाइम सेमी स्टारवेशन करता है वो कैसे कि उसका जो बिहेवियर है वो पर्जिंग बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है अब एसोसिएटेड का क्या मतलब है कि पर्जिंग बिहेवियर के साथ इसका मेनली मतलब ये है कि बच्चे ने फूड इन टेक किया ठीक है उसके बाद उसने पर्च कर दिया वॉमिट आउट कर दिया ठीक है कोई लेग्जेटिव ले लिए इस तरह के बच्चे आमतौर पर मेडिसिन को भी बहुत ज्यादा मिस यूज करते हैं जिसकी वजह से सर्टन टाइम वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी चले जाते हैं तो इस किस्म का जो बिहेवियर है चूंकि जब वो पर्ज करते हैं फूड एंड टेक उनका हो गया होता है तो पूरी कैलोरीज उनकी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकती ठीक है कुछ ना कुछ अंदर रह जाती हैं तो लेकिन उनका ये जो बिहेवियर है पर्जिंग बिहेवियर वो आपको उनके अंदर नज़र आएगा इसके साथ साथ जो बच्चे अंडर वेट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव साइंस एंड सिम्टम्स भी समटाइम मिलते हैं मगर ये कंपल्सरी नहीं है बट यू कैन ऑब्जर्व अब अगेन आपने उनके अंदर डिप्रेशन के साइंस का क्या मतलब है हो सकता है उनका मूड लो हो क्योंकि माल न्यूट्रिशन है इसलिए उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो लो होगी तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ हम एडिशनली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कोई डायग्नोसिस दे सकते हैं या हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिप्रेशन के फीचर जो हैं वो इन बच्चों में आ सकते हैं अगर वो पूरा क्राइटीरिया फुलफ़िल नहीं भी कर रहे तो इसी तरह जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव फीचर्स होते हैं जो हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिस तरह ऑब्सेशंस होते हैं ऑब्सेशन में थॉट्स हो सकते हैं इम्पलस हो सकती हैं आपके बहुत से इमेजरी हो सकती हैं कंपलसिव एक्ट्स हो सकते हैं यानी आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बार बार करते हैं अगर वो चीज़ें जो हैं वो फूड से रिलेटेड हों तो हम ये कहेंगे कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड है इसका क्या मतलब है कि ओ के कुछ फीचर्स जो हैं जो कि रिलेटेड टू फूड हैं वो इन बच्चों के अंदर डेवलप हो सकते हैं ठीक है यानी आ, हो सकता है कि वो कहें कि मैंने पहले टेंथ तक काउंट करना है फिर मैं फूड लूँगा ये भी हो सकता है कि बार बार उनके जहन के अंदर डिफरेंट फूड्स की जो इमेजेस हैं वो आए तो इट माइट पॉसिबल तो आपने ये भी देखना है कि जो बच्चा आपको अपने ऑब्सेशन्स के बारे में या कंपल्शंस के बारे में बता रहा है उसका जो रेलिवेंस है वो किस से रिलेट कर रहा है अगर वो फूड से रिलेट कर रहा है तो वो रेगजिया नवोसा के अंदर आएगा इन केस अगर उस बच्चे का वेट जो है वो अंडर वेट है देन दूसरे फीचर्स जो हम देखते हैं अनोरेगजिया नवोसा के अंदर मौजूद होते हैं या आपको रिफ्लेक्ट uh, करेगा चाइल्ड वो ये है कि कंसर्नड होंगे पब्लिकली खाने से ठीक है और दे फील दम सेल्फ इफेक्टिव अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो इनफ्लैक्सीबल होगा और जो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड होंगी इसके साथ साथ उनका इमोशनल एक्सप्रेशन भी जो है वो लिमिटेड होगा यानी ये लोग बहुत ज़्यादा हाइपर या एग्रेसिव नहीं होंगे क्योंकि हम बात ये कह रहे हैं कि इनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो लिमिटेड है इसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ ये भी देखने में आया है कि आम तौर पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म की फिजिकल एक्सरसाइजेस जो हैं या फिज़िकल एक्टिविटी है वो करना शुरू कर देते हैं दैट इज़ समट रिलेटेड विद द कम्पल्सिव एक्ट्स कि अगर उसने फूड ले लिया है तो वो कहेगा कि अच्छा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने टू बाइट्स ऑफ फूड लिया है तो वो कहेगा कि अब मैंने हाफ एन आवर तक ट्रेडमिल करनी ही करनी है यानी आई नीड टू बी डू द रनिंग तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके अंदर आपको नज़र आएंगी जो कि एक्सेसिव होंगी इसी तरह एनोरेक्सिया नवोसा के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आमतौर पर मेडिकेशन का मिस यूज़ करते हैं आमतौर पर जो टाइप वन डायबिटीज़ है उसके अंदर देखा गया है कि जो इंसुलिन की मैनिपुलेशन है वो की जाती है फॉर लूजिंग वेट ठीक है तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी देखने में आया है जो कि समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में किसी इंडिविजुअल को लेकर जा सकता है तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपने एक अनोरक्स नवोसा का अगर क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है